जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो के सेशन में प्रस्तुत है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत भाग चार। तो दोस्तों, इससे पूर्व हम पार्ट वन, पार्ट टू तथा पार्ट थ्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है आपके लिए आगामी एग्जाम्स जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना 1947 में, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, किसने की थी? तो दोस्तों, प्रथम कुमाऊं राइफल की जो स्थापना है कर्नल लांगर के द्वारा की गई थी 1947 में। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, भवानी सिंह रावत गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि भवानी सिंह रावत का संबंध किससे है? तो दोस्तों, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड से। नेक्स्ट देखेंगे, देहरादून का करणपुर नगर रानी कर्णावती ने बसाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, देहरादून का जो करणपुर नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था? रानी कर्णावती के द्वारा। आगे देखेंगे, खलंगा दुर्ग कहां स्थित है? तो दोस्तों, खलंगा दुर्ग नालापानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य की अगरिया जाति का व्यवसायी खानों से धातु प्राप्त करना है। आगे देखेंगे, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, वंदे मातरम का जो कुमाऊनी भाषा में अनुवाद है हरिराम त्रिपाठी के द्वारा 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप पिथौरागढ़ में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट के कुत्ते का नाम क्या था? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट के कुत्ते का नाम रॉबिन्सन था। आगे देखेंगे, उत्तर की द्वारिका के नाम से सेम मुखेम नाग देवता को जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, उत्तर के द्वारिका के नाम से जो है सेम मुखेम नाग देवता को जाना जाता है। आगे देखेंगे, थारू जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्वीन के नाम से नीलकंठ पर्वत प्रचलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गढ़वाल क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, नीलकंठ पर्वत को। आगे देखेंगे, दिगांश अभिलेख 1105 पिथौरागढ़ में कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, उत्तर देंगे महेश्वर जोशी के द्वारा। नेक्स्ट, हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, नैनीताल भूस्खलन से। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम मैथडोनिक चर्च की स्थापना नैनीताल में पादरी विलियम बटलर के द्वारा कब की गई थी? 1858 में की गई थी। आगे देखेंगे, सरोजनी नायडू के साथ गुजरात धरासाणा में नमक डिपो पर धरना किसने दिया था? तो दोस्तों, ज्योतिराम कांडपाल, याद रखेंगे, ज्योतिराम कांडपाल द्वारा जो है सरोजनी नायडू के साथ गुजरात धरासाणा में जो है नमक डिपो पर धरना दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, चौफुला केदार नृत्य इंद्रमणि बडोनी ने लखनऊ में 1956 में किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, खीरा कोट आंदोलन खड़िया खनन से संबंधित था। आगे बढ़ेंगे, कालिदास रचित ऋतुसंहार ग्रंथ में कनखल का उल्लेख है। नेक्स्ट है, लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि जो है किसने दी थी? तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लेखिका गौरापंत को शिवानी की उपाधि दी गई थी। आगे देखेंगे, जौलजीबी में औद्योगिक मेला कब लगता है? तो दोस्तों, 14 नवंबर को जौलजीबी में औद्योगिक मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों, वर्ष 2001 में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, एवलांच पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? तो दोस्तों, एवलांच पर्वत श्रेणी चमोली जनपद में स्थित है। आगे देखेंगे, चंगबंग शिखर को हार्स पिक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, कलिंग पर्वत बंदरपूंछ श्रेणी का हिस्सा है। आगे देखेंगे, त्रिमुखी पर्वत कहां स्थित है? तो दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में त्रिमुखी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियों का पर्वत खेंट पर्वत कहां है? तो दोस्तों, खेंट पर्वत जो कि परियों का पर्वत कहलाता है, ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है, देवतल पठार कहां स्थित है? तो दोस्तों, देहरादून जनपद में देवतल पठार स्थित है। आगे देखेंगे,
लेक ऑफ स्नो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लेक ऑफ स्नो के नाम से हेमकुंड ताल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा बुल्ला ताल लेंसडाउन में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा जो है बुल्ला या मुल्ला ताल जो है कहां बनाया गया था? लेंसडाउन में बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, मोकधुरा दर्रा कहां स्थित है? तो दोस्तों चमोली जनपद में मोकधुरा दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमखाजा दर्रा कहां है? तो दोस्तों हिमाचल के किन्नौर व हरसिल घाटी को जोड़ने वाला जो है ये दर्रा है दोस्तों, जमखाजा दर्रा। नेक्स्ट देखेंगे, देहरादून घंटाघर का असली नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर होगा बलबीर टावर। आगे देखेंगे, देहरादून गजेटियर्स हिंदी पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रकाश थपलियाल देहरादून गजेटियर्स हिंदी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, जौनसार बाबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर होगा देवबन। आगे देखेंगे, कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों कांडा की रानी की जो संज्ञा है ये तीलू रौतेली को दी जाती है। तो कई बार परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा मैक्स मूलर ने दी थी। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि उत्तराखंड की भाषा को जो है मध्य पहाड़ी की उपमा किसने दी थी? तो दोस्तों मैक्स मूलर के द्वारा जो है यह उपमा दी गई थी। आगे देखेंगे, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक जो है मैक्स मूलर की है। किसान चैनल कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 21 जनवरी 2004 को किसान चैनल प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे, देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना? तो दोस्तों 1900 को जो है देहरादून रेलवे स्टेशन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर के जहाजों का निर्माण राजा निंबर ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जागेश्वर में जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे राजा निंबर के द्वारा। आगे देखेंगे, बेड़ूपा को बारो मासा गीत की धुन मोहन उप्रेती ने बनाई। नेक्स्ट है, हिमालय की बेटी रचना के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उत्तर होगा राधा भट्ट। नेक्स्ट देखेंगे, राजकीय वैधशाला कहां स्थित है? तो दोस्तों राजकीय वैधशाला मनुरा नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट, एटकिंसन ने गोल्डन वैली किसे कहा था? तो दोस्तों उत्तर होगा बागेश्वर को। क्षेत्रीय अभिलेखागार कहां स्थित है? तो दोस्तों क्षेत्रीय अभिलेखागार नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पंच केदार में कल्पेश्वर के 12 महीने कपाट खुले रहते हैं। आगे है, रुद्रनाथ में पूजा के लिए प्रत्येक दिन ब्रह्मकमल आवश्यक है, यानी कि दोस्तों वहां पर जो है ब्रह्मकमल से पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, रामडोला का मेला कहां लगता है? तो दोस्तों रामडोला का जो मेला है ये खटीमा में लगता है। पुरोला घाटी का वरदान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पुरोला घाटी का वरदान कमल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चांदपुरगढ़ अटागाड़ नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट, राठवाहिनी पश्चिम रामगंगा नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तथा राज्य का पहला योग ग्राम पवलिया रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सिलमूर देवता मंदिर जौनसार दलितों के प्रवेश पर चर्चा में था। नेक्स्ट है, राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर होगा नैनीताल। आगे बढ़ेंगे, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहां है? तो दोस्तों उत्तर देंगे हल्द्वानी में। देश में प्रस्तावित सबसे बड़ी रेल सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग है। राज्य का पहला कॉर्निया बैंक हल्द्वानी में स्थित है। आगे देखेंगे, गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे अनिल जोशी के द्वारा। नेक्स्ट, देश का पहला किसान आयोग उत्तराखंड में 9 अक्टूबर 2016 को बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कि देश का पहला किसान आंदोलन किसान आयोग जो है उत्तराखंड में कब बना? 9 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहां स्थित है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा देहरादून में। आगे देखेंगे, गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों उमा भारती के द्वारा जो है गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी में की गई थी। नेक्स्ट, मीरा बहन का वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था। आगे देखेंगे, अभिनव ज्वार योजना चारा विकास से संबंधित है।
जबकि नंदा देवी कन्यादान योजना जो है दोस्तों कब शुरू हुई थी, 2009 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे पावर बैंकिंग की योजना विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि पावर बैंकिंग की योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों उत्तर देंगे विद्युत क्षेत्र से। नेक्स्ट रत्न कवि का दूसरा नाम क्या था, तो दोस्तों रत्न कवि का दूसरा नाम छेमराज था। आगे बढ़ेंगे कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है, तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि कुमाऊं का बारदोली के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा सल्ट क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों राज दर्शन भक्त दर्शन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम गजे सिंह था। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक वीरेंद्र सिंह रावत को माना जाता है। आगे देखेंगे माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम कालो सिंह भंडारी था। नेक्स्ट है माधो सिंह भंडारी महीपति शाह का सेनापति था। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आपको याद रखना है कि माधो सिंह भंडारी जो है महीपति शाह के सेनापति थे। मोहन सिंह रीठा गाड़ी एक कुमाऊनी लोक गायक है। नेक्स्ट है कुमाऊनी गायक पप्पू कार्की का निधन कब हुआ था, तो दोस्तों 2018 कार दुर्घटना में जो है कुमाऊनी गायक पप्पू कार्की का निधन हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे गंगादत्त उप्रेती को राज्य में कविराज की उपाधि दी गई है। राज्य में मिड डे मील बांटने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विवेकानंद उत्तराखंड की यात्रा पर 4 बार आए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विवेकानंद जो है उत्तराखंड में कब आए थे, 1890 में। आगे देखेंगे बाघबट्टी एक प्रकार का क्या है, तो दोस्तों ये बाघबट्टी जो है एक प्रकार का गढ़वाली खेल है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट है ब्रह्म कमल की प्रजाति फेन कमल सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे फेन कमल जो है ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। आगे देखेंगे गुरु नानक ने 1517 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा की। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, उत्तर होगा 2011 में। नेक्स्ट मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे जसूली सौक्याणी ने राज्य के तीर्थ मार्गों पर धर्मशाला का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर के लिए पदम देव नामक व्यक्ति ने भूमि दान की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो है भूमि किसके द्वारा दान की गई थी, तो दोस्तों उत्तर होगा पदम देव के द्वारा। आगे देखेंगे उत्तराखंड का प्रथम ICS भैरव दत्त पांडे थे, ठीक है। नेक्स्ट राज्य में नेहा तोमर को लेडी सुल्तान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य की पहली महिला कमांडर कौन है, तो दोस्तों क्षमता वाजपेयी। आगे देखेंगे पंचोली एक प्रकार की क्या है, तो दोस्तों पंचोली एक प्रकार की मुद्रा है। नेक्स्ट बहुगुणा समिति का संबंध किससे है, तो दोस्तों बहुगुणा समिति का संबंध औद्योगिक विकास से है। आगे देखेंगे विपक्ष व जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों उत्तर देंगे शैलेश मटियानी के द्वारा जो है विपक्ष व जनपक्ष पत्रिका का संपादन किया गया है। नेक्स्ट है कोटा माई के नाम से प्रसिद्ध मंदिर रणचूला मंदिर है, ठीक है दोस्तों रणचूला मंदिर जो है कोटा माई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कुली बेगार पर बनी फिल्म का नाम क्या है, तो दोस्तों कुली बेगार पर बनी फिल्म का नाम मधुली है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा भजन सिंहकृत रचना सिंहनाद को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे कफू चौहान के सेनापति का नाम देबू था। नेक्स्ट है मंसूरी में विंटरलाइन की घटना दिसंबर व जनवरी के महीने में दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे सरकार द्वारा घोषित बीजन 2020 में 5 मुख्य बिंदु है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1978 यानी 1978 में हुई थी। आगे देखेंगे
राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों राज्य में नया पुलिस एक्ट 2008 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पंचेश्वर बांध पर भारत व नेपाल के बीच संधि कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तर होगा 1996 में। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य में सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता है। पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिमाशा एक प्रकार की मुद्रा थी। आगे देखेंगे, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नेक्स्ट, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य उत्पादित चाय ब्रांड नाम क्या है? तो दोस्तों राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का जो नाम है वो कैच है। आगे देखेंगे, राज्य में ऑपरेशन इस्माइल खोए बच्चों की तलाश से संबंधित था। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे था? तो दोस्तों खोए बच्चों की तलाश से। नेक्स्ट है, दीपक परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट, जौनसार में मौन मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों उत्तर होगा सुदर्शन शाह के द्वारा। सर्वाधिक समय तक शासन गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह का रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड का राज्यफल क्या है? उत्तर होगा काफल। नेक्स्ट, तुलसी रावत राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन फर्नांडे समिति उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है पराक्रम विजयते। आगे देखेंगे, गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन जो है जय बद्री विशाल और युद्ध कृत निश्चय है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? उत्तर होगा वर्ष 2001 में। नेक्स्ट, गुलाबराय को मिनी कार्बेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, ज्ञान सिंह फरसवान ने लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा की थी। नेक्स्ट है, ज्ञान सिंह फरसवान को मैकग्रेगर की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैकग्रेगर की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो उत्तर होगा ज्ञान सिंह फरसवान। आगे देखेंगे, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों इस श्रृंखला के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।